आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं प्रमोद राठौर। दोस्तों, आज एक ऐसी जगह पे चलने वाले हैं जहां उस चीज़ को देख करके आप दंग रह जाओगे। ड्रैगन, ड्रैगन नाम सुनते ही मन में दहशत सी आ जाती है। डरिए नहीं, जहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है उस खेत में आज हम चलने वाले हैं और वहां पर चल के देखते हैं ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, कैसा होता है और कैसे उसकी खेती होती है और क्या होता है ड्रैगन फ्रूट में, खाने में कैसा लगता है। तो दोस्त चलिए हमारे साथ। अब हम आ चुके हैं जहां पर ड्रैगन फ्रूट के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, नर्सरी कैसे बनती है, ड्रैगन फ्रूट की सप्लाई कहाँ होती है, इसमें होता क्या है, तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं कि ये भाई हैं जिनका ड्रैगन फ्रूट का बगीचा यहाँ पे, तो ये तोड़ के लाए हैं, ये ड्रैगन फ्रूट होता है। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको खिला के दिखाते हैं कि ड्रैगन फ्रूट होता कैसा है और उसके बाद फिर बगीचा दिखाएंगे आप। ड्रैगन फ्रूट, तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। अगर इसका टेस्ट देखा जाए तो बिल्कुल कीवी की तरह है। तो साथियों, फाइनली हम आ चुके हैं बागीचे में। जैसा कि हमने आपको बताया था, ड्रैगन फ्रूट, तो ये आप देख रहे हो, ये लगे हुए हैं और ये पूरा का पूरा बागीचा है। यहाँ पे हम चारों तरफ दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम इनके जो ओनर हैं उनसे आपको बात करवाते हैं। अब ये एक यहाँ पे अभी तो ये देखिए, ये पका हुआ लगा है, ये रेड कलर हो जाता है जब ये पक जाते हैं और बाकी के अभी ये कच्चे लगे हुए हैं। पूरी की पूरी जानकारी अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, हम हैं बागीचे के अंदर, ड्रैगन फ्रूट ये हमारे भाई हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु मिश्रा है। अंशु मिश्रा जी हैं और इन्हीं का ये ड्रैगन फ्रूट का यहाँ पे फार्मिंग चल रहा है, तो पूरी की पूरी जानकारी इन्हीं के जुबानी आपको मिलनी चाहिए। तो मैं चलता हूँ सीधा। सबसे पहले तो ये हमें बताइएगा कि ये किस जगह पे है और जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनको पूरी की पूरी नॉलेज मिल सके। तो जो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम अंशुल मिश्रा है, मैं यहाँ चिलोवा गांव में रहता हूँ जो कि जलालाबाद तहसील में और ज़िला शाहजहाँपुर है जो कि यूपी में आता है। तो जो है मैंने इस खेती को शुरुआत किया था 2018 अक्टूबर से किया था। इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखने के बाद पता चला कि इसकी जो खेती होती है कुछ अच्छी खेती है। उस टाइम मैं चेन्नई में था, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है चेन्नई में। वहाँ 2015 से 2019 तक कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। उसके बाद जो है मैंने दिल्ली से डेटा साइंस का भी कोर्स किया, लेकिन जो है किसी नौकरी में ना जाके मैंने कोशिश करी कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। उसके बाद जो है मैंने खेती शुरू करी। ये जो है कैक्टस वैरायटी का पौधा होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोग बाद में देख लेंगे इस वीडियो में कहीं ना कहीं आगे पीछे। तो उसमें जो है कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कैक्टस वैरायटी का पौधा है, इसका नाम इंग्लिश नेम है पिताया फ्रूट और जो है इसको कॉमन नाम इसका ड्रैगन फ्रूट। ये जो है एक तरह का विदेशी फल होता है जो इंडिया में खाली अभी कम पैदा होता है, खाली 10% पैदावार है इसकी, 90% जो है बाहर से आता है। और ये नॉर्मली तीन तरह का होता है, मेनली तीन वैरायटी होती है जिसको बोलते हैं लाल ड्रैगन, येलो ड्रैगन, वाइट ड्रैगन के नाम से। अंदर इसके गूदे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सफ़ेद गूदा होता है, एक होता है लाल गूदा। लाल गूदे वाले को जो है रेड ड्रैगन बोलते हैं, पकने के बाद वो ऊपर से भी लाल हो जाएगा और जो उसका गूदा भी लाल होगा। दूसरा है सफ़ेद गूदे वाला, उसमें दो मेन वैरायटी होती है, एक तो येलो ड्रैगन जिसमें जो है पकेगा तो ऊपर से उसकी स्किन हो जाएगी पीले कलर की और अंदर हो जाएगा वाइट रंग का, उसके अंदर जो काले काले रंग के छोटे छोटे रीजे होते हैं। दूसरा होता है वाइट वाला, वो पकने के बाद ऊपर से लाल हो जाएगा और जो है
उसका गूदा होता सफ़ेद रंग का। तो मेन तीन वैरायटी नॉर्मली इन्हीं तीन तरह से पहचानते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी 50 से भी ज़्यादा सब वैरायटी हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, उन्हें आप नॉर्मली ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए आपको जो है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि ये जो है इसमें कौन से विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं और किन बीमारियों में ये काम आता है। तो इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी होता है, फाइबर होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो कि कई सारी बीमारियों में काम आते हैं, जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, अर्थराइटिस, और कहते हैं कि कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने में सहायक है। अगर आप खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंसर आपको ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर आप नियमित खा रहे हैं तो हो सकता है कि वो कैंसर वाली कोशिकाएं डेवलप ना हो। सबसे प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखना चाहें तो अगर किसी को डेंगू वगैरह का बुखार आ रहा हो तो उसकी जो प्लेटलेट्स डाउन होती हैं उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा सहायक है ये। और भैया जब इसे कोई अगर खेती करना चाहे ये क्या लगभग इसका जो खर्चा आता है वो क्या होता है? तो नॉर्मली जो है इसकी खेती की कैलकुलेशन हम लोग बीघा के हिसाब से नहीं करते हैं, इसकी जो है खेती की कैलकुलेशन करते हैं पोल के हिसाब से। एक एकड़ में जो है करीब करीब आपके 500 पोल लगते हैं, हर पोल पे 4 पौधे लगाए जाते हैं, तो 500 × 4 के हिसाब से लगभग एक एकड़ में आपके 2000 पौधे लग जाएंगे। हर पोल पे 4 पौधा, करीब करीब 2000 पौधा आपका आ जाएगा। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसमें किसान का लगभग जो 2.5 लाख रुपए के आसपास जो है खर्चा आता है। वो खर्चा कुछ इस प्रकार होगा कि एक पोल को बनाने की लागत लगभग 200 से 250 रुपए के आसपास आएगी। आप 500 से गुणा करें तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए आपका वो खर्चा हो गया। 50 रुपए के हिसाब से हमारे यहाँ पे पौधा उपलब्ध है, तो करीब 2000 × 50 करोगे तो 1 लाख रुपए वो हो गया, उसमें कुछ 10-15 हज़ार डिस्काउंट भी हो जाता है। तो लगभग 1.5 लाख रुपए का पोल, 1 लाख के आसपास आपके पौधे, तो करीब 2.25-2 लाख ये हो गए, और लगभग 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा और होता है जिसमें टायर वगैरह लगाना होगा या फिर भूरा वगैरह होगा, ये सब चीज़ें मिला के लगभग किसान का 2.5 लाख रुपये के आसपास जो है इसकी खेती में। तो एक जानकारी और दीजिएगा कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है और इसको हार्वेस्ट करके हम बेचते कहाँ पे हैं? तो इसमें जो है इसको लगाने के 1 साल के बाद जो है इसमें फसल लाना चालू हो जाएगी। जब इसमें पूर्ण उत्पादन शुरू हो जाता है जो कि पौधा लगाने के 4वें साल और फल आने के 3वें साल होता है, तब एक पोल के ऊपर लगभग 20 किलो तक फल आएगा आपका। पहली बार जब आपका फल आएगा दूसरे साल तो लगभग 20% पौधे की क्षमता के साथ लगभग 4-5 किलो एक पोल पे फल आएगा, और जब तीसरी साल होगी फल आने की दूसरी साल तो लगभग 50% क्षमता के साथ एक पोल पे 10 किलो तक फल आएगा, और तीसरी साल से फल आने के बाद लगभग 20 किलो तक जो है आपका एक पोल से फल निकलेगा। वैसे तो इसकी सबसे बड़ी मंडी जो है आज़ादपुर दिल्ली में है, लेकिन वहाँ जाने तक अभी हमारी नौबत नहीं आती। हमारा जो सारा फल है यहीं लोकल में ही सप्लाई हो जाता है, जो आसपास के 3-4 ज़िले हैं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, बरेली, और एक दो बार लखनऊ भी पहुँचा है। हमारा जो है लगभग 60 से 70% फ्रूट जो है हमारे खेत से बिक्री होता है, लोग खुद गाड़ी मोटरसाइकिल जैसे भी आना चाहें आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। बचा हुआ 30-40% फल जो है लोग फ़ोन करते हैं, पहले से ऑर्डर लगा के दे देते हैं, उनका 5-10 दिन में फल उनका पहुँच जाता है। आप मौके पर आएंगे मुश्किल आपको फल मिल पाए, और आपको पहले नंबर लगाना पड़ेगा। इतनी डिमांड है कि किस भाव में यहाँ पे बिक जाता है अभी? इसमें जो है नॉर्मली आपको मार्केट में पीस के हिसाब से इसके बिक्री होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है 250 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री होती है, थोक के हिसाब से होती है, और जो मार्केट में आपको एक पीस लगभग 125 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये करना चाहता है, लगाना चाहता है, तो उसकी नर्सरी आपके यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी? हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। पिछले सीजन में हम लोगों ने लगभग 25,000 पौधे की जो बिक्री करी है, लगभग यूपी के 100 से ज़्यादा किसानों को हम ये फल और पौधा लगवा चुके हैं। आसपास के 5-6 राज्यों में भी हमारे पौधे की सप्लाई होती रहती है, तो जो भी किसान आना चाहें या जो भी संपर्क करना चाहें वो हमसे संपर्क करके हम उन्हें ये पौधा जो है उपलब्ध करा सकते हैं। एक बार अपना मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 89-53-56-58-35, दूसरा है 86-01-02-61-61। तो साथियों ये थी जानकारी ड्रैगन फ्रूट के बारे में जो हमारे भाई ने दी है, तो इस पूरी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपका धन्यवाद देना चाहिए जो आप लोग हमारे फार्म हाउस पे आए और जो है मेरी स्टोरी को कवर किया, और इसमें जो है आप लोग वीडियो यहाँ पर बनाने के लिए आए। थैंक यू। तो साथियों ड्रैगन फ्रूट का बगीचा आपको दिखाया, तो वहाँ से आते आते रात हो गई है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।